नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया न्यूज नेटवर्क पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और इस वक्त मैं मुरादाबाद में मौजूद हूं और जहां पर अमित शाह जी पीछे बोल रहे हैं, रैली चल रही है, लेकिन यहां पर जो अमित शाह को सुनने लोग आए उनसे बातचीत करते हैं कि क्या नज़र आया सरकार के अंदर, यानी कि उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के अंदर उनको क्या नज़र आया और क्या दिखाई देगा साल 2022 के चुनाव में। बाबा, क्या नाम है आपका? मुशर्रफ जी, क्या दिखाई दिया इस पौने पाँच साल की सरकार में, क्या नज़र आया, काम काज कुछ समझ में आया या फिर अब की बार परिवर्तन करेगी यहाँ की जनता? देखो, हमारी समझ में तो ये आया, भाई के खाने के लिए भी दिया, साठ साल भी दी है? और मतलब अब और कोई परेशानियाँ हैं जो वो तो आती रहती हैं, मगर कोई ऐसी उलझन की परेशानी नहीं है। विपक्ष पार्टी तो चलती रहती है, वो उसकी बुराई, मगर सरकार इतनी बुरी नहीं है जितनी अच्छी है। फिर भी गरीबों को भी दिया, लॉकडाउन लगा तो दिया, खाने के लिए दिया, और क्या देती ना देती है, और तुम्हें हंस रहे हो, दांत फाड़ लो, और क्यों ना देती? दिया दिया, तुम बुराई करनी तुम करो, हम तो बुराई नहीं है तो हम तो कर नहीं रहे, हम क्यों करेंगे बुराई, जब अच्छाई है तो अच्छाई करेंगे। अच्छाई दिखाई दी हमें, तो हमें अच्छाई दिखाई दी। कुछ विपक्ष वाला कुछ करता रहो, हमें क्या मतलब इस बात से, हमें खाने के लिए मिला, बच्चों को मिला, पैसे मिले, गैस दिए, सिलेंडर दिए, सब कुछ दिया, बाद में नालोट करो तो कोई करता रहो, अब कोई मतलब किसी को। आप सच बोल रहे हो, मिला तो बोल रहे हो? हाँ, मिला तो बोल रहे, झूठ नहीं बोल रहे, झूठ बोलने तो विपक्ष वाले बोलेंगे, झूठ बोलेंगे तो। अच्छा, ईमानदारी कहो, जो ईमानदारी है वो कहो, मिला सबको, कैसे नहीं मिलता, आप नालोट करो तो तुम्हारे किसी बस की बात तो है नहीं। कोई भी दिखाई दिया योगी के काम काज में, क्या दिखाई दिया योगी? अच्छा दिया, हमें तो अच्छा लगा। अब की बार योगी से नाराज या योगी से खुश? ना, मैं तो राजी हूँ साहब, जो होगा नाराज वो जाने, मैं तो राजी हूँ। कौन सा काम बेहतरीन लग गया? योगी कह रहे हैं गुंडागर्दी वाला काम ये खत्म हुआ, या फिर योगी सिर्फ बात कर रहे हैं? गुंडागर्दी तो हमने देखी नहीं, अब तो खत्म है गुंडागर्दी, तो बिल्कुल खत्म है गुंडागर्दी, नहीं है गुंडागर्दी, कहाँ चल रही है इस राज्य में, कहाँ चले गए गुंडे, पता नहीं कहाँ चले गए, दिखाई ना दे रहे। चोरी चारी बंद, जो भैंसे बंदी रहो कहीं हो वो बंद, कोई खोल के नहीं ले जा रहा, गाय कहीं जाओ कोई पकड़ नहीं रहा, तो और इससे अच्छा क्या हो सकता है, बोलो। क्या दिख रहा है, योगी जी आएंगे कि जाएंगे? मतलब ये हमें पता नहीं, अल्लाह के घर का अल्लाह जाने, गैप की बात, हमें कोई पता नहीं, हमें कोई पता नहीं, मगर ऐसे दरअसल में बुरा काम नहीं करा इन्होंने, बुरा नहीं करा। तुम्हारा दिल क्या कहता, आने चाहिए या फिर अब की बार बदलाव? जब हमें तो खाने के लिए मिला तो हमें तो यही अच्छे लग रहे हैं, हमें तो ये अच्छे लग रहे हैं, यही अच्छे लग रहे हैं। हाँ हाँ, चाचा क्या नाम है? अहमद हसन। क्या कहोगे बाबू जी, क्या दिखाई दिया पौने पाँच साल की सरकार में? बीड़ी फेंक दो भाई, बीड़ी फेंक दो। हमें तो ये दिखाई दिया कि खूब सुविधा मिल रही है और इतने निवारता ना इतने मिल जा है, और गुंडागर्दी ख़त्म, चोरी चारी ख़त्म, हमारा घेर है जंगल में, जब हमारा घेर जंगल में है तो हो पाँव फैला के सो रहे हैं, कोई परवाही ना, गाय भी बंध रही है, भैंस भी बंध रही है, बैल भी बंध रहा है, छूने वाला कोई है नहीं, छूने वाला कोई नहीं है, नहीं है। पहले क्या छूता था कोई? हाँ, क्या होता पहले? दिन में छीन लिए, गाड़ी में जाते हुए बैल चढ़ा दी, चढ़वा यार, मैं तो ना चढ़ा रहा, मेरा मन दुख रहा, मैं चढ़ा फिर बार एक चढ़ा, चढ़वा और रहा वो, यानी लुट्टा पार्टी चले कर रही। हाँ, खूब डट गए। अच्छा, खूब डट गए। योगी के आने से खत्म हो गई क्या? खत्म हो गई, योगी ने खत्म कर दी क्या? योगी नहीं खत्म कर दी होगी, ये तो अल्लाह जाने होगी ना खत्म करी। आप खत्म है अब दिख नहीं रहे ये। अब ना दिख रहे, आप तो दिख तो रहे हैं, क्यों नहीं दिख रहे? क्या दिख रहा है, योगी जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं? अरे योगी जी, ये तो अल्लाह बेहतर जाने, देखो हमारा तो भेज यही है कि आने चाहिए। हाँ, सबसे बढ़िया क्या काम नजर आ गया? सबसे बढ़िया यही है, चोरी चारी का, और लॉकडाउन भी लगा लेकिन खाने फिर भी मिल गया, खाना मिल रहा। लेकिन अखिलेश जी कह रहे अब तो ना आ रही योगी जी, अब तो गए योगी जी। अखिलेश की सरकार में मैंने ये देखा, सुनो, कि नेतों के कारट और हमारा कोई कारट ही नहीं, गरीब आदमी का कोई अधिकारी के धोरे जा रहे हैं, सुनने के लिए तैयार नहीं, नींद आ रही है, सो रहा है। मायावती की सरकार आई तो एक फिर थोड़ी सी कड़क आई, जो अधिकारी सुन ले यार, और नहीं तो अखिलेश की सरकार में तो सुनने के साथ तैयार ही नहीं, सुनने तैयार ही ना है। हाँ, अब क्या दिखाई दिया योगी की सरकार? अब योगी की सरकार में
उनके कोई बस की बात नहीं, नेतों के। अच्छा नेता खत्म, नेता नेतों के कोई बस की बात ही ना रही यार। हमारा कार्ड तो हमें तो हमारे तो उन्नीत है ही नहीं। मन का ना तो भैया तुमने पहले तुमने मजे मारे, अब हमें मजे मार लो। यानी अब गरीब आदमी मजे मार रहा। हाँ अब किसी को नहीं पूछना पड़ता, सीधा जाओ बन जाता काम। हाँ किसी अधिकारी का हाथ नहीं जोड़ने पड़ते ना, किसी नेता को नहीं पूछना पड़ता ना, बिल्कुल ना। अच्छा सीधा जाओ और राशन कार्ड बन गया। बिल्कुल राशन मिलता भी है? राशन मिल गया महीने में दो बार। क्या फेरी मिल गया महीने में दो बार? मिल गया दो बार, दो बार मिल गया। फ्री वाला मिल गया? फ्री वाला मिल गया। अच्छा अच्छा जी, फ्री वाले हो गए। हाँ जी क्या कहोगे, बड़ी देर से मुस्कुरा रहे हो इनकी बातों पे। क्या कहोगे, क्या दिखाई दे रही है? सही है, बढ़िया है, बढ़िया दिखाई दे रही है। तेल भी मिल गया है, चना भी मिल गया, नमक भी मिल रही है, गल्ले में सब कुछ मिल गया। अच्छा है, सुविधा अच्छी हो रही है। योगी राज में क्या दिखाई दिया, काम क्या समझ में आया योगी की सरकार में, ये बताइए। सब कुछ फायदा है योगी की सरकार में, आगे सरकार, आगे सरकार जी, आगे। अखिलेश जी कह रहे, सुना तो सही, भाग रहे हो तुम तो। अखिलेश जी कह रहे अब ना रही क्या? अखिलेश जी जो भी कह रहे हैं सब कुछ कह रहे हैं, सरकारी मोदी जी योगी जी की आगे, योगी मोदी की। अपनी सीट नहीं छोड़ेंगे हम, कह रहे हैं। अच्छा वो नहीं छोड़ेंगे दोनों। अच्छा, कुछ अच्छा, क्या सबसे बेहतरीन काम क्या नजर आ गया? देखो गरीबों को नाज मिल गया है, चना मिल गया है, सुनी गुंडागर्दी खत्म, खेत बाड़ी में सहूलियत, सब कुछ ठीक है। किसानों के तहत सुविधा भी है, सुनी हर चीज गरीब आदमी के तहत सुविधा है। लेकिन जब 2017 का चुनाव था तो कहते थे कि योगी आ जाएगा तो मुसलमानों को खा जाएगा। नहीं, 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 गलत गलत, हिंदू मुस्लिम बांटने का तरीका है ये, ना तो मुसलमान हिंदू का दुश्मन है और ना मुसलमान हिंदुओं का दुश्मन है, ना हिंदू मुसलमान का दुश्मन, सब भाई भाई हैं। अल्लाह के हुक्म से योगी जी आएंगे, अल्लाह के हुक्म से आएंगे आएंगे। अम्मा क्या यह देखो पीछे अम्मा है, अम्मा नमस्कार। आएंगे आएंगे योगी आएंगे। क्या नाम है आपका? इंदिरा सिंह। इंदिरा सिंह जी क्या कहोगी, क्या सा काम समझ में आ गया योगी जी का जो पीछे से कह रही हो योगी आएंगे? आएंगे, बहुत अच्छा काम है, बहुत बढ़िया, सबको गरीबों को रोटी मिल रही है, महंगाई है, बाकी पेट्रोल की तो कोई बात नहीं, कोई ऐसी बात नहीं है, और बहुत सुविधा है, हमारे देश संभाल लिया, हमारे राम जी आ गए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। अखिलेश जी कह रहे राम जी तो आ गए, योगी नहीं आएंगे। आएंगे आएंगे आएंगे, कोई रोक नहीं सकता योगी को, कोई अखिलेश यादव का गठबंधन रोकेगा नहीं, रोकेगा नहीं, रोकेगा, चोर नहीं रोकेंगे। अरे यूं कह रहे, अब की बार नहीं, अब की बार तो गठबंधन मजबूत है। रहने दो रहने दो, ईश्वर एक ही होता है, ईश्वर ही संभालेंगे देश को मेरे को। अच्छा हाँ, चोटे नहीं संभालेंगे। अच्छा आप क्या कहोगे, आइए जरा आइए। हाँ जी बाबा। हाँ देखिए, हमारी सरकार में कोरोना में गरीबों को राशन देके जिंदगी बचाई, सब्सिडी किसानों को दे रहे, सिलेंडर दिया, मकान दिए, शौचालय दिए, और अब पैसा बढ़ा दिया है, मानदेय 2000 बढ़ा दिया है इनका, अंधेशकों का 500 रसोइयों का, लगातार निरंतर सरकार फायदा कर रही है जनता का, और हिंदू मुस्लिम कोई भेदभाव नहीं है, सबको साथ लेकर चली सरकार, सबका साथ, सबका विश्वास और सबका साथ दे रहे हो रहा है विकास, बिल्कुल विकास हो रहा है, 100% हो रहा है, दिख रही है आपकी बात। आ रहे योगी जी, जा रही है योगी जी, योगी जी आ रहे हैं, आ रहे हैं, आ रहे हैं, अब ना आ रही है, गलत बात, आ रहे हैं योगी जी, योगी जी आ रहे हैं। ने कह दिया अखिलेश जी रोकेंगे, इधर अखिलेश जी रोकेगा योगी को, कोई नहीं रोकने वाला दुनिया में, कोई नहीं रोकने वाला, आपकी बार रोकेंगे, आपकी बार देखो, आपकी बार रोकेंगे, रोकेंगे। अगर अखिलेश अब नहीं आए तो 20 साल तक नहीं आएंगे, और आपकी बार आना ही होगा। लो इन्होंने कहा अखिलेश नहीं आने गए, 100% नहीं, 100 नंबर 1 से 8 नंबर एक्सरे से जितने हवाई जहाज उतरे थे वो हवाई जहाज उतरे, अरे हवाई जहाज कहाँ उतरे थे, अभी तो उतर रहे हैं हवाई जहाज, अभी तो योगी सरकार ने कितनी रोडें बनवा दी, कौन सी क्या काम कर दिया ऐसा इनको, बाकी सरकार ने बहुत सिलेंडर की सिवड्डी कहाँ है, कह रहे सब्सिडी खत्म, सब्सिडी आ रही है, सबको आ रही है, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, योगी जी आ रहे हैं, 100% करे। हाँ चाचा, उनके अकाउंट में अपनी पासबुक नहीं दोगे, सब्सिडी कैसे आएगी, कोई हाथ में तो आपके देगी नहीं सरकार,
अब पासबुक जमा 19 रुपए ये कह रही है बना रहे योगी जी कौन इस बार 300 प्लस योगी जी 300 प्लस जी क्या काम करते हैं कुंदर की विधानसभा से ही बीजेपी की सीट निकलेगी अच्छा हाँ क्या काम करते हैं निकलेगी 100% निकलेगी अच्छा हाँ। क्या कर दिया ऐसा योगी जी ने बहुत कुछ कर दिया क्या नहीं करा बिजली आ रही है और क्या चाहिए हमें पहले बिजली महंगी कर दी अरे एक बात बताओ सुविधाओं का आनंद लोगे कहीं ना कहीं उसका आपको ही बिजली महंगी कर अरे तो बता तो रहा हूँ राज्य से महंगी अरे बिजली महंगी नहीं क्या कह रहे हो यहाँ इधर वहाँ मैं ये कहना चाह रहा हूँ भाई साहब समर का सुनना बिजली भी भरपूर मिल रही है और लाइट भी कम है 100 रुपया 125 रुपया महीना आ रहा है किराया महंगी बिजली महंगी नहीं है कोई चीज महंगी नहीं है डीजल पेट्रोल महंगा है कोई तमन्ना नहीं है हमें कोई तमन्ना नहीं है नहीं देश हमारा सुरक्षित है देश हमारा सुरक्षित है देश सुरक्षित है बहुत बढ़िया देश चल रहा है लेकिन कह रहे योगी नहीं आएंगे अरे योगी आएंगे हम लाएंगे योगी पब्लिक लाएगी जगले को योगी जी 300 को पार काम क्या दिखाई दे रहा है जी योगी जी आएंगे क्योंकि योगी जी ने सारे गुंडे भगा दिए जितने चोरी चपारी होती कुछ नहीं हो गए सब हम अपने जानवरों को दुबका के सोबे हैं अब तो कहीं भी बांध दे हमारे योगी जी ने ऐसा कर दिया कहीं भी बांध दे हमारे जानवर नहीं ले जाता कोई भी जानवर ऐसे रहते पहले कहाँ जावे थे जानवर पहले चुरा लेते रात में ही ले जावे दिन छिपाही खोल कर अब ना खोलते अब कोई हमारी माँ बहने भी खुले सड़क घूमती है पहले ना घूमे गुंडे सब भगा दिए साले चाचा क्या हाल है बढ़िया है कैसे हो सही है ये कह रहे हैं कि अब की बार योगी जी आ रहे हैं कि जा रहे हैं और आना वे हैं योगी जी आ रहे हैं क्या दिख रहा है कुछ काम भी करा योगी ने अरे बतेरा काम करा और क्या करे क्या कर दिया बहुत काम कर रहे हैं अरे इतनी याद ना है मुझे इतनी याद ना क्या दिखाई दे रहा है उत्तर प्रदेश का फूल कमल का फूल हम कभी नहीं भूलेंगे इसे कभी नहीं जब से जन्म लिया पूरा परिवार 250 आदमियों का हमारा कमल के फूल पे ही वोट देता है कोई भी जीतो कोई भी हारो हम भूलेंगे नहीं कमल के फूल को योगी ने क्या काम किया उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं देश में सारे में भारत में अपने सड़कें बनवाई जहां तहां सब में और बिजली सब घरों में पहुंचाई है फ्री के कनेक्शन करके राशन कर रही है योगी जी योगी जी कैसे ना आएंगे केशव प्रसाद मौर्य जी आएंगे तो वो ना आएंगे तो और कोई आएगा उनकी जगह पे तो अखिलेश जी आएंगे आपकी अखिलेश जी क्या धनिया बेचे हैं ये तो रह गए ऐसे ही गए टिंटल गोपाल अब है अब तो जो है भूपेंद्र बढ़ गए कहीं कोई बढ़ गया सब ये सब योगी सरकार अब ना रहे मोदी अखिलेश जी ने कह दिया गठबंधन जीते योगी जी गठबंधन हो जाता है अच्छा गठबंधन में चलता है ये तो योगी सरकार बनेगी आपके योगी की बनेगी हाँ जी और मोदी की बनेगी योगी जिंदाबाद योगी जिंदाबाद क्या दिखाई दे गया योगी ने सबका दिया पहले पैसे आ रहे हैं हर एक सुविधा मिल रही है खाने को पहले मिल रहा है राशन मिल रहा है सब कुछ क्या कहोगे एक मिनट क्या कह रहे हो महीने दो बार राशन मिल रहा है पहले लाइट 3 घंटे का 18 घंटे लाइट चल रही है गाँव और कनेक्शन कर दिया है मतलब गरीब आदमी को सिलेंडर मिल गया और क्या चाहिए सड़क महंगी कर दी लाइट नहीं महंगी हुई है कुछ नहीं महंगा हुआ है पैसा बहुत कम रहा है सब कमा रहे हैं पैसा सबके लिए एक ही है कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है दिख रहे हैं योगी ठीक है सरकार योगी है सरकार योगी जी है अरे कह रहे अब नहीं आएंगे योगी 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 नरेंद्र मोदी जिंदाबाद नरेंद्र मोदी जिंदाबाद कह रहे योगी नहीं आएंगे हर बार योगी तो गए हर बार योगी कह रहे अब नहीं आने देंगे फिर योगी गठबंधन आएगा खो गए गठबंधन सो गए कह रहे अखिलेश जी बनेंगे मुख्यमंत्री बहुत दूर पहुंचे अच्छा जी हाँ ऐसा क्या काम समझ में आ गया योगी का बहुत काम सुधार दे गल्ला डबल मिल रहा कलेक्शन बत्ती के कलेक्शन फ्री गैस सिलेंडर फ्री चोर सो गए कहते शांत चोर अब चोर भैंस आराम से बन रही है भाई बहन आराम से घूम रहे हैं जो रास्ते में यहाँ लगाया कलपट्टी पे का लिकार किया वो सब खत्म है वो अच्छा जी हाँ क्या नाम है योगी अच्छा तुम्हारा नाम योगी रामपाल नाम जिंदाबाद योगी क्यों जिंदाबाद क्यों है ये तो बताओ गुंडागर्दी खत्म लेकिन आप नहीं आएंगे योगी जी आएंगे जिंदाबाद योगी जी आएंगे
जी ने कह दिया गठबंधन जी आएंगे, योगी जी आएंगे, टोंडी चोर नहीं आएगा, टोंडी चोर नहीं आएगा अब की बार, टोंडी चोर का तो सपना खत्म हो गया। मजबूत गठबंधन, अरे मुख्यमंत्री बनने का ही सपना खत्म हो गया, जो अपने बाप का ना हुआ वो किसी का भी नहीं हो सकता, किसका हो जाएगा जो अपने बाप का नहीं हुआ। आपकी गठबंधन जीतेगा, अरे कहां आपकी 50 सीटें आ जाए समाजवादी की तो बहुत मान लियो, वो कह रहे 400 आएगी, अरे 350 प्लस हमारी है, पक्की है ये, लिख के रख लियो। क्या काम कर दिया, अरे जो कौन सा काम नजर आए, कौन सा काम नजर आए, सारे काम कर दिए, और सबसे बड़ा काम ये कर दिया कि हम हिंदू हैं और हिंदू खातिर बीजेपी को वोट देंगे, सबसे बड़ा काम तो हमारा ये है। हाँ हिंदू है, हिंदू के लिए, हिंदू के लिए हमारी रक्षा इस सरकार से होती है और इसी सरकार को हम चाहते हैं। अखिलेश जी हिंदू नहीं है क्या, मायावती हिंदू नहीं है क्या, वो मुल्ला मुलायम है, वो मुल्ला मुलायम है। तो देख सकते हैं आप इस वक्त मैं मुरादाबाद में मौजूद हूँ और मुरादाबाद की जनता की राय आपने सुनी, आप भी इस वीडियो पे अपनी राय रखिए, इस वीडियो को शेयर करिए। कैमरामैन तुषार के साथ मैं विनोद शर्मा मुरादाबाद से।